हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, UIICEL, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल वन जिसे हम कहते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट आई है। सो दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है और यहाँ पे इस बार 100 वैकेंसी स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन में है, मतलब जिनका स्पेशल डिग्री हम ये कह सकते हैं, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए 100 वैकेंसीज हैं। तो काफी अच्छी ये रिक्रूटमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में 10 वैकेंसीज है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में 20 वैकेंसीज है, जिसमें बी कॉम और एम कॉम भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे बी कॉम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एम कॉम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर में के लिए 20 वैकेंसीज है, केमिकल के लिए 10 वैकेंसीज है, डेटा एनालिटिक्स के लिए 20 है, मतलब आप देख सकते हैं आईटी के लिए, एंड स्पेसिफिकली लीगल के लिए, लॉ के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पे, टोटल 100 वैकेंसीज यहाँ पे है। और जर्नलिस्ट के लिए, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट चाहे आप, ग्रेजुएशन है या इन सब में भी है, बीटेक है, कुछ भी है, आप इन सभी आप जर्नलिस्ट में एलिजिबल रहते हैं। सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें क्विकली, एक बार थोड़ा सा डिस्कस करें कि नोटिफिकेशन में इस बार क्या है, तो एलिजिबिलिटी जो डिसाइड होगी वो 30th September 2024 के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जो आपकी एज की कैलकुलेशन होगी और डिग्री की कैलकुलेशन होगी वो इस डेट को होगी। इस डेट को आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30th September 2024 के अकॉर्डिंग आपके पास, देखिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीई या बीटेक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट, सिमिलरली एमई या एमटेक, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में आप देखिए सीए आईसीए या फिर आईसीडब्ल्यूए है तो भी आप एलिजिबल है, बी कॉम विद 60% मार्क्स या फिर एम कॉम विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी इनमें से, तीनों में से कोई भी आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप एलिजिबल है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर में आप देख सकते हैं बीई बीटेक या फिर एमई एमटेक, केमिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है, डेटा एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी ग्रेजुएट, स्टैट्स वगैरह के लिए ये वैकेंसी है। ओके, लीगल के लिए आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन आपका, एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में आपका होना चाहिए। ओके, और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और जर्नलिस्ट के लिए तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, विद 60% मार्क्स। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी एलिजिबिलिटी है, तो बहुत सही मैं कह सकता हूँ कि नोटिफिकेशन है। और ये आपको ध्यान रखना है कि क्वालिफिकेशन 30th September 2024 के पहले आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली एज का, एज की कैलकुलेशन भी सेम डेट पे की जा रही है, 21 से लेकर 30 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ये डेट आपको दोनों दी हुई है। ओके, बाकी रिलैक्सेशन जो रहते हैं गवर्नमेंट के वो एज इट इज है ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी ये स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक चीजें मेंशन की हुई हैं। अगर हम सीधे आ जाएं कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस, तो 1000 रुपीज प्लस जीएसटी, 250 रुपीज प्लस जीएसटी SC ST एंड PWBT स्टूडेंट्स के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15th अक्टूबर से शुरू होगा, लास्ट डेट जो है वो 5th ऑफ नवंबर है, और 5th ऑफ नवंबर ही लास्ट डेट पेमेंट ऑफ फीस के लिए है, और एग्जाम टेंटेटिवली बताया जाएगा कब है, उसके 10 डेज पहले ये कॉल लेटर आएगा। एग्जाम की डेट जो है, डेट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 14th ऑफ दिसंबर, तो ये टेंटेटिव बताई गई है कि 14th ऑफ दिसंबर है। ओके, तो एग्जाम डेट कभी भी हो सकता है, ये आपको देखना, इन्होंने बताया भी है। एप्लीकेशन प्रोसीजर और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन में क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर आईटी से हैं, फाइनेंस से हैं, तो आपके लिए ये स्पेसिफिक स्ट्रीम रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के। ओके, सेक्शनल टाइमिंग रहने वाली है। सिमिलरली जर्नलिस्ट के लिए सारे वही चीजें होंगी, एक्सेप्ट फॉर द जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 30 मिनट्स का होगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, एसे राइटिंग 20 मार्क्स, ये उसमें टेस्ट रहने वाला है। ओके, देन इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी स्कोर कट ऑफ, बाकी हर एक सेक्शन की होगी, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी डिसाइड होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी डिसाइड होगी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, देन इसके बाद इसमें कोई ऐसी मेजर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बाकी लगभग हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। और किसी भी टाइप की इंटरव्यू, यस इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 25% है, जो हमने ऊपर एग्जामिनेशन शेड्यूल देखा वो 75% है, 25% इंटरव्यू का वेटेज होगा, 1:3 के रेशियो में स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है।
सो ये था UIICL की नोटिफिकेशन से रिलेटेड. सो ये काफी अच्छा नोटिफिकेशन है. इसके बाद कैसे इसको फिल करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं. किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन से आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं. और एग्जाम भी प्रोवाइड करता है बेस्ट कोर्सेज और बैंकिंग, इंश्योरेंस, SSC एंड ऑल द रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन. तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर कट ऑफ वगैरह हम आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करेंगे. सो दिस इज अबाउट UIICL. सो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए भी, बीकॉम एमकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, आप इसको जरूर अप्लाई करें. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.